बॉलीवुड में काम दिलाने के बाद धोखाधड़ी और ठगी का मामला कोई नया नहीं है। आपको बता दें कि काम दिलाने के नाम पर कई बार ऐसी वारदातें सामने आई हैं। ताजा मामला मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर का है, जहां बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर कई युवाओं के साथ ठगी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। ठगी का शिकार हुए अनेक युवक युवतियों की शिकायत के आधार पर उल्लासनगर की हिल लाइन पुलिस ने सातिर ठगबाज ऋषभ अग्रवाल उर्फ सेन के खिलाफ मामला दर्ज कर बिठलवाड़ी पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल आरोपी ऋषभ अग्रवाल फरार है, बिठलवाड़ी पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ऋषभ ने अनेक लड़के लड़कियों को फिल्म में काम दिलाने का वादा किया था। फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के लिए अलग अलग बहाने बनाकर ऋषभ ने किसी से 20,000 तो किसी से 30,000, इस प्रकार से उसने लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो गया है। वहीं इस मामले में धोखाधड़ी की शिकार हुए युवाओं ने एनसीपी नेता की मदद से पुलिस को सारी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हमें बताया गया था करके आप सभी को, मतलब लड़की लड़कियों को, मतलब काम पे भेजा जाएगा, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है करके। वैसे हमारे ग्रुप में, मतलब एक जन के ग्रुप में 12 जन चाहिए, मतलब ऐसे पूरा ग्रुप वैसे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम लोग ने 9-10 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 12 जन पकड़ के, मतलब ऐसे पूरे 100 के ऊपर 100-150 जन हैं हम लोग सिर्फ ये उल्लासनगर के एरिया में। और बाकी बहुत जन हैं, उनसे सब जन से एक एक जन से 15-20 हज़ार ऐसे उन्होंने बोला करके देने के लिए एक एक बच्चे से। हमें मतलब हर एरिया का, मतलब नाम बताया गया था। पहले स्टार्टिंग में जयपुर में शूटिंग होने वाली थी, फिर उसके बाद लद्दाख में होने वाली थी, ऐसे 3-4 स्पॉट के नाम बताए गए थे। वहाँ पे अलग अलग तरह की शूटिंग होने वाली थी, उस स्पॉट पे मतलब हम लोग को स्पॉट बॉय का काम मिलेगा ये कह के हम लोग को बताया गया था। हमारी मांग से यही है करके हम लोग जितने भी हम बच्चों ने पैसे दिए उन लोग को, वो हम सबको मिलना चाहिए। कुछ लोग नहीं, शहर की यूथ के लूट हुई है। यहाँ पे इनोसेंट बच्चों को वेब सीरीज और फिल्म सिटी में काम पे लगाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की लूट हुई है बंटी और बबली के द्वारा। ऋषभ अग्रवाल उर्फ सेन ये नामक व्यक्ति और मनप्रीत कौर ये नामक लेडी, इन लोगों ने बच्चों को फिल्म सिटी में काम पे लगाने के नाम पर उनको एक हसीन सपने दिखाए कि दिन का 5 से 10 हज़ार रुपया पगार मिलेगा, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और बच्चे जो ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर के कितने प्रकल्प महाराष्ट्र के बाहर गए, तो युवा पीढ़ी जो बेरोजगार है, इस बेरोजगारी को देखते हुए बच्चों ने, जॉबलेस बच्चों ने इस बंटी और बबली के ऊपर भरोसा दिखाते हुए अपने घर के पैसे, अपने माँ बाप के पैसे इन लुटेरे लोगों को दिया और इनकी फसूनुक हुई गई है। और हमने एसीबी साहब को और इलेन पॉलिटिशियन को और स्थानीय पॉलिटिशियनों को लेटर देकर एफआईआर कराई है, और एफआईआर हुई है। अभी देखिए पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है।